फ्रेंड्स, हैप्पीस्ट माइंड में अगले आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छी डिविडेंड से रिलेटेड खुशखबरी निकल कर आ सकती है। और फ्रेंड्स, आईटी कंपनियों में निवेश करने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि यहाँ पर डिविडेंड बहुत ही अच्छा मिलता है और साथ में इस कंपनियों के वैल्यूएशन भी बहुत ही अच्छे बाजार में बने रहते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, जो अभी हैप्पीस्ट माइंड की ओर से एक इंटीमेशन आया, वहाँ पर मैंने देखा कि 1 अप्रैल से 14 मई तक ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी। तो यहाँ पर कंपनी ने यह क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पर जो फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर होगा, और इसके अलावा डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड यानी कि इस साल का आखिरी डिविडेंड। और ये मुझे लगता है कि यहाँ पर कंपनी 3-4 रुपये का डिविडेंड अगर अनाउंसमेंट कर देती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा डिविडेंड माना जाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर अगले आने वाले सालों में रेगुलरली डिविडेंड आता रहेगा और यहाँ पर डिविडेंड बढ़ता भी रहेगा। तो जिन लोगों ने आईपीओ में इस शेयर को प्राप्त किया, यानी कि जो जिसे भी ये सर आईपीओ में लगे, उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसके अलावा अभी अभी जो भी लोग 350 के आसपास इसमें निवेश करने में कामयाब रहे, उसके लिए भी बहुत ही शानदार न्यूज़ है।